हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं करता हूँ ठीक ठाक हूँ, भले चंगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ RRR मूवी की स्टोरी, जो कि 2022 में रिलीज हो चुकी है और हमने टाइम पे इसने 1200 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जो कि एक स्टोरी कलेक्शन बन चुका है। सो आइए बिना देरी के बढ़ता हूँ अपनी वीडियो की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, कम से कम आपका समय लूँगा। तो बेसिकली मूवी की कहानी जो है वो एक काल्पनिक कहानी है, जो कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कुमाराम भीम के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो कि ब्रिटिश के जिस टाइम ब्रिटिश का राज था और हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई थी, उस टाइम की एक कहानी है। तो भाई लोग, ये फिल्म ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत करने वाले दो क्रांतिकारियों वीरों अल्लूरी सीताराम राजू और कुमाराम भीम की असल जिंदगी पर आधारित है। कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं। भाई, इस फिल्म में जो हमें ईयर दिखाया गया है वो 1920 की कहानी दिखाई गई है। उसमें भारत पर अंग्रेजों का राज था। स्कॉट और उसकी पत्नी कैथरीन ब्रिटिश राज के अधिकारी थी। एक बार वे तेलंगाना के जंगल में जाते हैं, वहाँ गोंडा नाम के एक आदिवासी लोगों को देखते हैं। फिर वे उनकी माली नाम की लड़की को चुरा कर अपने साथ दिल्ली लेके आ जाते हैं। भाई, उन्हीं के साथ वहाँ के कुछ बंदों पर मारझाड़ भी करते हैं। अब उस ट्राइब के मुखिया का नाम होता है भीम, जहाँ से वो उस लड़की को उठा के लाते हैं। तो वो गुस्से से भर उठता है कि उनके इलाके में से कोई उन्हीं की लड़की को उठा के ले गए। फिर वह अख्तर नाम के मुस्लिम को फेक आइडेंटिटी बनाकर दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ लच्छू नाम का एक युवक भी जाता है, जो कि उसे गाइड करता है। अब उस तरफ हैदराबाद के निजाम को इस घटना की खबर मिल जाती है और भीम की प्रतिज्ञा के बारे में भी पता चल जाता है कि वो अपनी बेटी को लेने आ रहा है। अब वो तो सिर्फ अंग्रेजों का चापलूस था, इसलिए वह जल्द से जल्द स्कॉट और कैथरीन के पास जाता है और उनको भीम के आने के बनक के बारे में बता देता है। लेकिन कैथरीन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह रामाराजू नाम के पुलिस ऑफिसर को बुलाती है और उसके मिशन देती है। मिशन क्या होता है भाई, कि वो भीम को जल्द से जल्द पकड़े और उसको खत्म कर दे। फिर होती है हमारी भीम की एंट्री, यानी कि रामचरण की एंट्री, जो कि एक पुलिस अफसर का रोल निभा रहे हैं इस मूवी में। काफ़ी बेहतर रोल निभाया भाई, पर्सनली बताऊँ तो इस मूवी में रामचरण ने। राजू अपने अंकल के साथ आज़ादी के सम्मेलनों में जाने लगता है ताकि भीम का पता लग सके। ऐसे ही चलता रहता है कुछ दिन। एक दिन राजू को पता चलता है कि लच्छू भीम का साथी है और वह उससे दोस्ती करता है ताकि भीम उस फिर वह लच्छू से दोस्ती करता है ताकि वह भीम तक पहुंच सके। लेकिन जब लच्छू को पता चलता है कि राजू पुलिस अफसर है तो वह वहां से भाग जाता है। इसी दौरान संयोग से राजू और भीम की मुलाकात हो जाती है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं होता कि ये भीम है और ये राजू है, कि ये पुलिस इंस्पेक्टर है जो भीम को ढूंढने आया है, और भीम को ये नहीं पता होता कि ये मुझे पकड़ने आया है। अब दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं, सो ऐसी बातों में दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और गहरी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि एक ट्रेन के हादसे में एक बच्चे को बचाने के लिए दोनों आपस में मिलते हैं और वहीं से उन दोनों की आइडेंटिटी शुरू होती है। फिर एक दिन भीम राजू से कहता है कि उसे जैनी पसंद है, जैनी जो कि स्काउट की भतीजी है। यह सुनकर राजू भीम की मुलाकात जोनी से करवाता है, लेकिन भीम को जैनी के जरिए स्काउट के घर तक पहुंचना होता है भाई, ताकि वो माली को छुड़ा सके, क्योंकि वह उसी के ही इलाके की लड़की है। एक दिन जैनी भीम को स्काउट के रेजिडेंस पर लेके जाती है, तभी चुपके से वह कमरे में पहुंच जाता है जहां माली को बंदी कर रखा जाता है। वह उसे छुड़ाकर ले जाने का प्रयास करता है और उसे प्रॉमिस करके आता है अपनी बच्ची से कि मैं तुझको जल्द छुड़ाने लेके आऊँगा, बस तू इंतजार कर और हिम्मत रखना। उधर राजू लच्छू को खोज लेता है, फिर उससे भीम का पता पूछने लगता है, लेकिन लच्छू उसे एक बहुत ही जहरीले सांप से डसवा देता है और कहता है कि अब तुम नहीं बच सकते, क्योंकि उस सांप के दंश का इलाज कोई नहीं ढूंढ सकता सिवाय गोंड के अलावा। राजू किसी तरह लड़खड़ाता हुआ भीम के पास पहुंच जाता है, लेकिन उससे कहता है कि वो उसे एक बहुत ही जहरीले सांप ने डस लिया है। लेकिन अब भीम जो कि एक कोंड होता है, उसे पता होता है कि इसका इलाज क्या है और वो अपनी सूझबूझ से अपने देसी तरीके से उसका इलाज कर देता है, जिससे राजू खतरे से बाहर आ जाता है। और भीम अपना दोस्त समझकर राजू को सब कुछ बता देता है, अपने मिशन के बारे में सब कुछ बता देता है। उसे अभी तक ये नहीं पता होता कि राजू अंग्रेजों की पुलिस का अफसर है। अगले दिन भीम अपने दोस्तों के साथ कुछ जंगली जानवर लाता है और स्कॉट के घर पर छोड़ देता है। इससे चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। भीम स्कॉट के आदमियों को मारने लगता है, तभी राजू आता है और कहता है कि स्कॉट ने कहा है कि अगर तुम्हें हथियार नहीं डाले तो मैं तुम्हें अभी की अभी यहीं कहीं मार डालूंगा और तुम्हारे बच्चे माले को भी मार डालूंगा। उस समय भीम उस बच्चे को बचाने के लिए गया हुआ था। कैंसिल होने के कारण राजू को प्रमोशन मिल जाती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है। वास्तव में वह आजादी के लिए लड़ रहा था। उसने इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वह एक दिन बड़ा होकर अंग्रेजों के हथियारों पर कब्जा कर सके और अपने देश को उससे मुक्ति दिला सके। अगले दिन भीम को मारने का और उसे कोड़े मारने का ऑर्डर आता है। राजू ने उसे बहुत ज्यादा समझाया कि स्कॉट से माफी मांग ले, लेकिन भीम कहता है कि नहीं, इससे पहले वह मरना पसंद करेगा। फिर सिपाही उसके कोड़े मारने लगता है, लेकिन भीम आजादी का गीत गाने लगता है, लेकिन अपने पैर घुटने नहीं टेकता। फिर राजू स्कॉट से कहता है कि भीम को हम चुपचाप एक जंगल में जाकर गोली मार देते हैं, लेकिन यह उसको भीम को बचाने का प्लान था ताकि वो उसको अंग्रेजों से बचा सके। स्कॉट के आदमी भीम को गुप्त जगह ले जाते हैं, पीछे से राजू मालिक को छुड़ा कर ले आता है। इस दौरान उसकी स्कॉट्स के लोगों से लड़ाई हो जाती है, वह जख्मी भी हो जाता है। दूसरी तरफ भीम भी खुद की आज़ादी कर लेता है, लेकिन जब वह राजू के साथ मालिक को देखता है तो उसे लगता है कि वह मालिक की हत्या करने आया है, इसलिए वह राजू के सिर पर चोट मारता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाता है और फिर मालिक को वहाँ से लेकर भाग जाता है। होश आने पर राजू स्कॉट के सिपाही को अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर भीम मालिक के साथ हाथरस में रहता था। एक दिन वहाँ पुलिस आती है, लेकिन राजू की पत्नी सीता उनसे झूठ बोल देते हैं कि वहाँ पर स्मॉलपॉक्स फैला हुआ है, लेकिन चेचक फैला हुआ है, इसलिए पुलिस वहाँ से डर के भाग जाती है।
सीता भीम के बारे में नहीं जानती है। वह उसे बताती है कि वह राजू वास्तव में एक अंग्रेजी जासूसी करने के लिए पुलिस में भर्ती हुआ था। एक दिन वह उनके गोला बारूद पर कब्जा करना चाहता है। यह सुनकर भीम अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने दोस्त राजू को बचाने के लिए तैयार हो जाता है और उसको बचाने के लिए वहां से निकल पड़ता है। इसके बाद भीम स्कॉट के बैराक पर जाता है और वहां पर बंदी बने हुए राजू को छुड़ा लेता है। वह दोनों वहां पे बहुत से सिपाही होते हैं, उन सबसे लड़ते हैं और काफी बेटर एक्शन सीक्वेंस में दिखाया जाता है जो कि थिएटर में मैंने काफी एंजॉय किया था। आप ओटीटी पर भी देख सकते हैं, आपको भी अच्छा फील होगा। भाई ये मूवी की एंडिंग होती है, वो वहाँ पे सिपाही को मार देता है और स्कॉट को और उसकी पत्नी को भी मार देते हैं। यहाँ पे हमारे दोनों हीरो जीत जाते हैं और मूवी की एंडिंग हो जाती है। सो भाई बेसिकली बताऊँ ऑल ओवर कंक्लूजन, तो मूवी आपको देखनी चाहिए, बहुत ही बेटर मूवी है। ये मूवी मैंने एक्सप्लेन की है, मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छी मूवी लगी थी। सो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता रहता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।